हेलो मरेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहाँ पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोगों की डिमांड के तौर पर मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स का कोर्स, जिसमें हम सीरीज नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। आपके सीरीज के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने 7 सीरीज लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग मैथ्स की रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग की सीरीज के अकॉर्डिंग, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाकर किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए, वो मुझे मिलेगा आप लोगों के लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए। तो जरूर करें ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। आज हम कवर करेंगे बेस्ट एंड अमेजिंग ट्रिक, जो हमारी मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक होगी, जिसमें हम 2 और 3 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन ट्रिक को कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो उन्हें जरूर कंटिन्यू करें। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, जो कैंडिडेट्स ट्रिक्स देख रहे हैं या ट्रिक्स को एज अ जिसे डिमांड कर रहे हैं कि मैम ट्रिक्स लेकर आइए, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एवरी कैंडिडेट के लिए यही है कि आप लोग ट्रिक्स की जो भी आप मतलब की वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को सेल्फ जरूर कंटिन्यू करना है, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू कीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब यह है कि कोई भी ट्रिक आप लोगों को ओनली ओरली देखकर समझनी नहीं है। उसे जब तक आप लोग पेन पेपर लेकर सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग नहीं कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस पर सेल्फ क्वेश्चंस बनाइए और अप्लाई कीजिए। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होगी ताकि आप लोग किसी भी ट्रिक को अच्छे से माइंड में कैप्चर रख सकें टाइम जो हमारा एग्जाम टाइम होगा वहां तक। और साथ ही जो भी आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मैथ्स के पोर्शन के या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वहां पर आप लोगों को इन ट्रिक्स को अप्लाई जरूर करना है। कोई भी लॉन्ग मेथड आप लोग नहीं अपनाएंगे, जैसे यहाँ पर 96 एंड 93 की मल्टीप्लीकेशन है, तो कोई भी इस टर्म के अकॉर्डिंग ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखेगा, ठीक है। अब जो ट्रिक आप लोगों को मैं समझाऊंगी या बताऊंगी, उसमें आप लोग जो भी ट्रिक हम यूज करेंगे उन्हें आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग में कंटिन्यू करें और एग्जाम टाइम में भी कंटिन्यू करें, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके और एक्यूरेसी आप लोगों की अच्छी बन जाए मैथ्स के पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 96 और 93 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इजीली ओनली 5 सेकंड्स लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इनके ऊपर। कमांड आप लोगों को अच्छी करनी है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 96 × 93। सबसे पहले तो हमें 100 के अकॉर्डिंग देखना होगा कि ये 100 से कितना कम है, ये कितना कम है -4 और ये कितना कम है -7, ठीक है। इतना करना, इतना करने के बाद आप लोगों को क्रॉस चेक करना है, मतलब कि अगर मैं 96 में से 7 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा मेरे सामने 89, और अगर मैं 93 में से 4 माइनस करूंगी तो भी 89 आएगा। दोनों को माइनस करने के बाद 89 ही आएगा, तो ओनली सिंगल 89 लेंगे। और 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है, 7 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 7 × 4 = 28 या 4 × 7 = 28, तो दैट इज द आंसर, हमारा ये आंसर आएगा 8928। आप लोग सेल्फ एक बार चेक भी कर सकते हैं कि क्या यही आंसर है, तब आप लोगों को पता चल जाएगा ये कैसे हुआ है। अगेनली देखिए 99 और 98 को करके देखते हैं, ये 100 से कितना कम है -1 और ये 100 से कितना कम है -2, ठीक है। क्रॉस करेंगे, जब मैं 99 में से 2 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा मेरे सामने 97, और अगर मैं 98 में से 1 माइनस करूंगी तो भी 97, तो सिंगल 97 लेंगे। और 2 × 1 = 2 होता है, तो यहाँ पर सिंगल 2 नहीं लिखेंगे 02 लिखेंगे, दैट इज आंसर। अमेजिंग ट्रिक है, आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अगेनली और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 93 और 95, ये 100 से कितना कम है -7 और ये 100 से कितना कम है -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 93 में से जब मैंने 5 माइनस किया तो कितना बचा मेरे सामने 88, ठीक है। 95 में से 7 माइनस किया तो भी 88 आएगा, तो एक ही बार हमें 88 को काउंट करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35, दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 97, ये है हमारा -3 और ये है हमारा -8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 97 में से अगर मैंने 8 माइनस किया तो मेरे सामने बचा 89, और जब मैं 92 में से 3 माइनस करूंगी तो भी 89 आएगा, सिंगल 89 लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 8 × 3 = क्या हो जाता है हमारा 24, दैट इज आंसर। ओनली 5 सेकंड्स लगे हैं मुझे आप लोगों को समझाने में, आई थिंक ज्यादा टाइम लग गया होगा, 10 सेकंड 15 सेकंड्स लगे हैं, बट आप लोग जब रिविजन और कंटिन्यू करेंगे ओनली 3 सेकंड्स में या 5 सेकंड्स में आप लोगों का 3 to 5 सेकंड्स में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई भी बहुत ईजी है, ये भी हमें कैसे सोचना है एज अ 100 के अकॉर्डिंग सोचना है। ये 100 से कितना ज्यादा है, इसमें हम ज्यादा लेकर चलेंगे, तो ये है +3 और ये है
प्लस टू, दोनों को सेम एज इट इज करेंगे। अगर मैं 103 के अकॉर्डिंग 2 को प्लस करती हूँ तो कितना आता है 105, और अगर 102 में 3 को प्लस करूंगी तो भी 105 आएगा। तो सिंगल 105 लेकर चलेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 होता है, तो ओनली 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे, दैट इज आंसर। ठीक है, अब देखिए सेम एज इट इज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये है प्लस 10 और ये है प्लस 9। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब मैं 110 में 9 प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा 119, 109 में 10 प्लस करूंगी तो 119 सेम आएगा। ठीक है, 10 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 90 आंसर आएगा, बस इजीली हो गया। देन देखिए दो क्वेश्चन और समझते हैं, ये है प्लस 1 और ये है प्लस 3, दोनों को क्रॉस कीजिए। 101 में अगर मैंने 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा। ऐसे ही सेम 103 में 1 प्लस करूंगी 104, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 3 3 होगा तो 03 लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, सिंगल डिजिट के साथ ओनली सिंगल नहीं लिखेंगे, 0 लगा कर लिखेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, प्लस 6 है, प्लस 4 का गैप है, दोनों को क्रॉस करेंगे। 106 में जब मैंने 4 प्लस किया तो कितना हो गया 110, ऐसे ही सेम एज इट इज 104 में 6 प्लस करूंगी 110 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 24, तो क्या आंसर आएगा हमारा 11024। तो मेरे हिसाब से 2 और 3 डिजिट्स की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है ट्रिक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सम्स के लिए, इन चारों का आंसर आप लोगों को देना है, कैलकुलेटर से बिल्कुल भी मत करके दीजिएगा, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिए और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, तो इस तरीके की टर्म्स आप लोगों से पूछे जाएंगी। तो आप लोग अपनी ट्रिक को अप्लाई कीजिए यहाँ पर और प्लस माइनस करके इसका आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क जो आप लोगों को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है, और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक एंड बेस्ट विशेस, बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड रिस्पॉन्स देना है ऐसे ही रेगुलर अपडेशंस और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें और अपनी लर्निंग को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें।